शुक्र के साथ मैं आज का ब्लॉग शुरू करता हूँ। अभी सुबह का टाइम है, तो सुबह के टाइम पे मैं तैयार होकर तो ऑफिस के लिए निकलने लगा था, तो मुझे कॉल आई कोरियर की कि मेरा कोई गिफ्ट आया है यूके से। तो मुझे थोड़ा सरप्राइज मिला, तो एनीवे मैंने पूछा कौन कहाँ से गिफ्ट आया, तो कहते हैं यूके से गिफ्ट आया। तो मेरे क्लाइंट हैं मीर नासिर हुसैन साहब, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट सेंड किए और साथ में ये फूल सेंड किए हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर ली जाए ये बात। ये गिफ्ट आया, ये उन्होंने फूल वगैरह मुझे सेंड किए हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और नासिर हुसैन साहब आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और साथ में ये उन्होंने कार्ड भेजा है, जो कि मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। टू मोहसिन हैदर, अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, मिस्टर नासिर मीर फ्रॉम यूके, थैंक्स फॉर योर काइंडनेस, योर हेल्प, मे अल्लाह कीप यू हैप्पी ऑलवेज, फ्रॉम नासिर हुसैन। थैंक यू नासिर हुसैन साहब। आपको मैंने छोटा सा काम किया था, वो कोई इतना बड़ा काम नहीं था। तो जैसे मैंने दूसरे लोगों को भी नंबर लगवा के दिए हैं, मेरे जो यूट्यूबर व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा कि मैंने काफ़ी लोगों को नंबर वगैरह लगवा के दिए हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं था। हम वैसे भी हेड ऑफिस में जाते रहते हैं, अपने काम से जाते रहते हैं, चलो उसी बहाने हम किसी दूसरे का भी काम कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए छोटी सी बात होती है। तो फिर भी शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने ये मुझे गिफ्ट वगैरह सेंड किए हैं। बस मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ ना शेयर कर दूँ, तो शुक्रिया बहुत बहुत। पहले तो थैंक यू वेरी मच नासिर हुसैन मीर साहब का, जिन्होंने मुझे यूके से एक गिफ्ट सेंड किया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं उनका अदा करता हूँ। और मेरे एक और क्लाइंट हैं सईद कमर साहब हैं उनका नाम है, वो स्पेन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी मुझे एक वीडियो सेंड की थी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा नाम सईद कमर अब्बास है, मैं स्पेन के लोग्रोनियो शहर में रहता हूँ। मैंने 2 साल पहले किस्तों पे सिटी हाउसिंग स्कीम में प्लाट खरीदे थे, तो उनके नंबर जो है ना वो भी इन्होंने नंबर अलाट कर रहे थे, तो मुझे बताया गया कि जो जिन्होंने पेमेंट की हुई है फुल उनको नंबर वो देंगे, जो आप अपनी मर्ज़ी से प्लाट ले सकते हैं। तो क्या हुआ कि मैं इधर था, तो मेरे बाद में उन्होंने कोई नंबर अलाट कर दिए, तो क्योंकि नंबर इकट्ठे नहीं थे, अलग लेते थे, तो मैंने उनसे रबता किया तो कोई नहीं कर रहे थे, तो उस सिलसिले में मैंने अपने भाई को भेजा कि आप जाके चेक करें, तो क्या हुआ कि वो उन्होंने नंबर बताया कि अलग अलग उन्होंने किए हुए, एक जगह इकट्ठे नहीं है। तो मैंने अपने सारे प्लाट इकट्ठे करने थे, कराने थे, तो मुझे नंबर दिया मोहसिन भाई का किसी ने, तो मैंने इनसे रब्ता किया, तो मैंने यहाँ रात के 9 बजे थे स्पेन में, वहाँ रात के 1 बजे का टाइम था, तो इन्होंने फौरन मुझे रिस्पांस दिया। मैंने मैसेज इनको किया और इनका नंबर मैंने ये वेबसाइट से लिया, तो इनके यूट्यूब चैनल से लिया, तो वहाँ से मैंने इनको फ़ोन किया और इन्होंने बहुत जल्दी मुझे रिस्पांस दिया, फौरन बैक मुझे जवाब दिया कि सुबह इंशाल्लाह आपका जो ना काम हो जाएगा। तो सुबह कहा गया कि आप लेकर आए फाइलें जो है ना वो नंबर भेज दें, तो मैं इंशाल्लाह जाके करा दूँ। वहाँ जा इन्होंने चेक कराया तो अलग अलग नंबर थे, तो इन्होंने फिर क्या हुआ, इन्होंने और भाई अमीन जो है इनके साथ है कि इनकी टीम ने जाके अपना वक्त निकाल के फौरन मुझे रात को मैंने पैगाम दिया इनको, और सुबह सुबह इन्होंने जाके मुझे ये नंबर भेजे तब्दील करा के, कहा कि ये आपके तीनों प्लाट इकट्ठे हो गए। मुझे मैं इनकी इन सर्विस पर बहुत खुश हुआ, और मैंने जानता भी नहीं, मैंने इन्हें देखा भी नहीं, ये सिर्फ यूट्यूब के ऊपर मैंने इनको देखा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में ऐसे बंदे हैं जो बेलोस काम कर रहे हैं, और मेरी दुआएं इनके साथ हैं। और मैं आप सब से आप सबको ये कहूँगा कि ये जो है अपना मोहसिन भाई, ये एक एतमाद का नाम है, तो अगर आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो इनके साथ ज़रूर रब्ता करें, ये और फिर इनकी सर्विस देखें, ये खुद आपको सर्विस देंगे, आपको पता चल जाएगा। ये बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जैसे मैंने आपको वीडियोस में दिखाया, नासिर हुसैन साहब ने मुझे कुछ
जो कुछ सेंड किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। वो सईद कमर साहब हैं जो स्पेन में रहते हैं, उन्होंने भी अपने ख्याल का इजहार किया कि ऐसे बहुत ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे कॉल करते हैं कि एक्चुअली ये जो एप्पल में जो कुछ एप्पल ब्लॉक में जब प्लॉटिंग का मसला हुआ था, मतलब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम था, तो बहुत ज़्यादा लोग थे जो बाहर बैठे हुए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें। एकदम से इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो जो बाहर लोग बैठे हुए थे जिनके प्लाट थे एप्पल ब्लॉक में और ओवरसीज़ में, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स हो गई थी। तो मैंने जस्ट उनकी थोड़ी सी हेल्प की थी, जस्ट फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन दी थी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। तो फिर भी शुक्रिया उन सब लोगों का। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल सके। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। कम ये सामने गेट है और ये गेट के अंदर साथ दाखिल होते हुए ये रॉयल टावर, ये हमारा प्लाजा है, साथ में ये यूबीएल बैंक है, यूबीएल के साथ ये रॉयल टावर है।